नमस्कार। सबसे पहले देश एवं प्रदेश एवं मेरे ग्रामवासियों को दीपावली की हार्दिक बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। प्यारे मित्रों, जैसा कि आप लोगों को अवगत है कि हम हमेशा हर साल दीपावली का त्यौहार मनाते हैं। दीपावली का त्यौहार एक ऐसा त्यौहार है, भारत एक ऐसा राष्ट्र है जिस राष्ट्र में अनेक त्यौहार इस देश में मनाए जाते हैं। त्यौहार बहुत सारे मनाए जाते हैं, हर महीने हर सप्ताह कुछ न कुछ त्यौहार इस देश में मनाया जाता है, इसलिए इस देश को त्यौहारों का देश भी कहा जाता है। और उन्हीं त्यौहारों में से सबसे एक इम्पोर्टेंट त्यौहार और जिसे कहते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार, वो त्यौहार है दीपावली। दीपावली का त्यौहार हम क्यों मनाते हैं? हिंदू राष्ट्रीय सिर्फ भारत ही नहीं अपितु जो हमारे विदेशी या विदेश की धरती है या दूसरे देश है, उस देश में भी जहाँ जहाँ हिंदू राष्ट्र के लोग होंगे वहाँ पर दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। दीपावली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है? सबसे पहले पहली बात है कि क्यों मनाया जाता है। आज हमारा देश भारत में पूर्व कई प्रकार के संस्कृति, कई प्रकार के राजा, कई प्रकार के शासन काल रहे। उन्हीं शासन काल में से एक रामचंद्र की कथा इसमें आती है या एक कथित इसमें भी वर्णित होता है। रामायण काल में जब भगवान श्री रामचंद्र जी को उनके पिता श्री ने उनको 14 वर्ष का वनवास दिया था, उस वनवास से इस त्यौहार का कनेक्शन है। कनेक्शन इसलिए है या संबंध इसलिए है क्योंकि भगवान रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास दे दिया था और भगवान रामचंद्र जी एक ऐसे महान पुरुष हैं, एक ऐसे महान पुरुष हैं जिन्होंने अपने पिता श्री का आगे का पालन किया और स्वयं वो वनवास के लिए चले गए। और सिर्फ वो ही नहीं, उनके जो छोटे भाई लक्ष्मण थे और उनकी जो धर्मपत्नी थी सीता, उन्होंने भी कहा कि नहीं, अगर आप इस आपातकाल में अकेले आप जा रहे तो नहीं, हम आपको अकेले नहीं अभी तो हम भी आपके साथ चलेंगे। भगवान रामचंद्र जी ने उनको कई बार समझाया, सीता माता को कई बार समझाया कि आप इस प्रकार से वन में या जंगल में आप अपना जीवन यापन कतई नहीं कर पाओगे क्योंकि आप बहुत बड़े राजघरानों से आते हैं और उस क्षेत्र में आपको आना उचित नहीं होगा। किंतु दोनों लक्ष्मण जी भी और इधर सीता माता जी भी नहीं मानी। फिर मजबूरी में भगवान रामचंद्र जी को दोनों को अपने साथ वन ले जाने का निर्णय लिया और वहाँ से वो लोग रामचंद्र जी, सीता माता और लक्ष्मण जी अयोध्या से वनवास की ओर निकल गए। और धीरे 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 14 वर्ष कम नहीं होता है, हम लोग 3-4 दिन अगर किसी जंगल में या कहीं जाए तो बहुत बेकार लगता है, घर छोड़ दिया बहुत बुरा लगता है। लेकिन रामचंद्र जी ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वो 14 वर्ष की वनवास को पूरा करने के पश्चात वो अयोध्या लौटे। किंतु 14 वर्ष में उन्होंने कई प्रकार के उनके सामने विकट की स्थिति पैदा हुई, संकट की स्थिति पैदा हुई। उन संकट या विकट परिस्थिति को उन्होंने पार करते हुए और बीच में सीता माता जी का छाई होने के कारण रावण उन्हें चुरा करके लंका ले जाता है और लंका ले जाने के पश्चात भगवान रामचंद्र जी को सीता माता को वापस लाने के लिए कई प्रकार के राक्षसों को, दूतों का सर्वनाश करना पड़ता है। और उसके पश्चात भगवान रामचंद्र जी लंका जा कर के जो अहंकारी रावण होता है उसका
शर्मास करके वो जब वापस अयोध्या लौटते हैं, अयोध्या जब लौटते हैं तो 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करने के पश्चात जब अयोध्या लौटते हैं, अयोध्या लौटने पे जो अयोध्या ये दीप उत्सव वहाँ के राजघराना वालों ने नहीं बल्कि वहाँ पर जो प्रजा थी, जो वहाँ के लोग थे, अयोध्या के लोग थे, उन लोगों ने भगवान रामचंद्र जी के स्वागत के लिए दीपक जलाए, दीप उत्सव मनाया, उनके स्वागत के लिए, उनके स्वागत अभिनंदन के लिए ये दीपक जलाया। और उसी दिन से हर साल दशहरा के 20 दिन के पश्चात हर साल इस देश में, भारतवर्ष में, हिंदू राष्ट्र में दीपावली का उत्सव मनाया जाता है। तो मित्रों, मैं आपको इस दीपावली, तो आपने अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, अपने राज्य में अलग अलग संस्कृति, अलग अलग परंपरा के अनुसार दीपावली का त्यौहार देखा होगा, किंतु मैं आपको उत्तराखंड के चमोली के तेफना, जो मेरा पैतृक गांव है, और एक हमारा दूसरा गांव पैतृक गांव मलारी है, वहां से भी मेरे पास कुछ वीडियो आई हुई है, दोनों गांवों का मैं मिश्रण करके आपको अपने होलो माधो सिंगा मेरो एक एको तो माधो सिंगा दाल दली रह गे माधो सिंगा चौल छड़िया रह गया माधो सिंगा तू घर नी आई माधो सिंगा रण भूमि बटी माधो आयो माधो।
चलो माधो सिंगा रिंग दी डंडियावी माधो सिंगा गौमथी को घेरो माधो सिंगा गौ मुड़ी को सेरो माधो सिंगा। Yeah.
यख बणले पुड़ी पकोड़े तख बणले स्वाली ये आवाद गड़ो भेलू खेला ये गाश बाली ए माधो सिंह भंडारी ते याद करो जावर छोरो छिलका लियावा मोटा मोटा भैलो बनावा जीत के आयो वीर पुरुष काश बागवाली मनावा ए डुखरे फुंगड़ी चकते बारो भैला घुमावा काश मनावा ए सुखी गास गो गो मनोला। दीपावली की छोटी छोटी झलकियां आपको दिखाया जो छोटे छोटे गांव में किस प्रकार से त्यौहार को मनाया जाता है। दीपावली जिस दिन होती है अमावस्या की रात को, तो उस दिन हमारे गांव में हमारे पूर्वजों के द्वारा हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने हमें सिखाया कि दीपावली खाना खाने के पश्चात गांव के सारे लोग इकट्ठा होकर के अपने घरों से छिल्ला अर्थात मीन्स छिलका कहते हैं उसे, छिलका को जला करके हम लोग इकट्ठा होकर के क्षेत्रीय भाषा में या मैं अपनी भाषा की मैं बात करूँ अपनी परंपरा के अनुसार की मैं बात करूँ उसको कहते हैं बिलोरे का अर्थ होता है या बिलोरे मीन्स ये है कि उसमें हम लोग क्या करते हैं कि अपने अपने घर से जो छिलका होता है उसको जला करके घर से थोड़ा दूर जा करके गांव से थोड़ा दूर जा करके वहां पर जा करके इकट्ठा में हम लोग उस छिलका को इकट्ठा करते हैं और वहां पे आग जलाते हैं और आग जलाने के पश्चात जो पटाखे होते हैं जो फुलझड़ियाँ होती हैं जो भी दीपावली में उत्सव मनाते हैं चाहे हम लोग खीर की बात करें चाहे पूरी पकौड़ी की बात करें सूजी की बात करें वो सब हम लोग सिर्फ इस बिल्लोरे में केवल पुरुष वर्ग ही प्रतिभाग करता है। और इस बिल्लोरे में ये माना जाता है कि इस बिल्लोरे से जो हमारे पितृ होंगे जो हमारे पितृदेवता होंगे उन लोगों को दीप दिया जाता है और इसीलिए बिल्लोरे मनाया जाता है। और जब तक बिल्लोरे या ये छिलका का जो हमारा एक परंपरा है उसे नहीं ले जाएंगे तब तक त्योहार अधूरा माना जाता है। ये दाजू जावर छोरो छिलका लियावा मोटा मोटा भैलो बनावा जीत के आयो वीर पुरुष काश बागवाली मनावा ए डुखरे फुंगड़ी चकते बारो भेला घुमावा
दाजो अनिल भैजे का बोल धामी जिन करी तोल गौ मछिन सब का घोल गाश तुल अमोल खत्म की कह सकते हैं या समाप्त होने की कतार से हैं। धन्यवाद।